हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि राष्ट्रीय आय क्या किसे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय। इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि ये राष्ट्रीय आय है क्या। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके परिवार में तीन लोग हैं और तीनों के पर मंथ 100-100 रुपये इनकम है। उस हिसाब से आपकी फैमिली इनकम 300 रुपये पर मंथ होती है। उसी प्रकार एक देश में जितने लोग होते हैं, अगर हम पूरे देश के इनकम को जोड़ दें तो उससे जो मूल्य प्राप्त होगा उस मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। दरअसल ये राष्ट्रीय आय नहीं, ये जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू आय जिसे बोलते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें विदेशों से प्राप्त साधन आय को भी जोड़ना पड़ेगा। अगर विदेशों, जैसे कि मान हमने कोई चीज़ निर्यात किया, बदले में आसान में पैसा मिलेगा, अगर हम उसको भी जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद जो मूल्य प्राप्त होगा उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसको मैंने और अच्छी समझाने के लिए आपको मैंने डेफिनेशन भी दी है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिनको राष्ट्रीय आय जानना चाहिए या जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।